नमस्कार दोस्तों मैं सीए रेंटिंग और सीएम मनोरंजन में जैसे ही बात आती है तो हमें कंफ्यूजन होता है कि कौन सा में कवर हो और कौन सा सारे कवर किए हैं वन बाय वन हम उसका डिस्कशन करते हैं तो पहला सिनेरियो है रेंटिंग और मोटर व्हीकल्स दिया जा रहा है गुड्स को कैरी करने के लिए इस ट्रांजेक्शन में कभी भी आर सी एम एप्लीकेबल नहीं होगा एज ए सप्लायर उसके पास में दो ऑप्शन होंगे वो जीएसटी की 12 परसेंट की रेट पर इनवॉय इश्यू कर सकता है recipient को और सप्लायर को जो है इस वाले ट्रांजेक्शन पर फुल आईटीसी मिलेगा सप्लायर अगर पांच परसेंट रेट करता है तो जो सप्लायर के आईटीसी है इस वाले ट्रांजेक्शन पर लिमिटेड आईटीसी का बेनिफिट मिलेगा अब यहाँ पर लिमिटेड आई से मतलब है कि आई टी ऐसी इनपुट सर्विसेज जिसका सिमिलर बिजनेस लाइन है केवल उसी का बेनिफिट जो है सप्लायर को मिलेगा अब हम सेकंड सिनेरियो में चलते हैं रेंटिंग और मोटर व्हीकल्स दिया जा रहा है पैसेंजर को कैरी करने के लिए और जो फ्यूल कॉस्ट है वो पैसेंजर से चार्ज नहीं की जा रही है अगेन इस वाले ट्रांजेक्शन पर कोई भी आर सी एम नहीं होगा सप्लायर के पास दो ऑप्शन होंगे बारह की इनवॉइस इशू कर सकता है फुल आई का बेनिफिट ले सकता है या पांच परसेंट की इन्वॉइस इशू कर सकता है और लिमिटेड आईटीसी का बेनिफिट उसको मिलेगा थर्ड सिनेरियो में आते हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स पैसेंजर को कैरी करने के लिए दी जा रही है लेकिन इस बार जो फ्यूल है वो पैसेंजर से चार्ज की जा रही है में इंक्लूड की जा रही है यहाँ पर भी अगर सप्लायर 12% परसेंट वाली इनवॉय इशू करता है तो आर सी एप्लीकेबल नहीं होगा इस वाले ट्रांजेक्शन पर अगेन फ्रेंड्स लेकिन आपको जैसे पता है कि सेक्शन 17 जो है ब्लॉक क्रेडिट से रिलेटेड से, है और मोटर व्हीकल रेंटिंग और मोटर व्हीकल की मोस्ट ऑफ द सर्विसेज जो है ब्लॉक क्रेडिट में चली जाती है तो रेसिपियंट जो है वो इस ऑप्शन के लिए कभी भी एग्री नहीं करेगा क्योंकि उसके लिए बारह परसेंट वाला जो आईटीसी है एज ए रेसिपियंट उसके लिए इन एलिजिबल बन जाएगा तो अब ऑप्शन आता है थ्री पॉइंट वन रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स सेम पैसेंजर को कैरी करने के लिए यूज किया जा रहा है फ्यूल कॉस्ट भी पैसेंजर से लिया जा रहा है लेकिन इस बार सप्लायर ने जो है पांच परसेंट वाला ऑप्शन यूज किया है क्योंकि सप्लायर एक बॉडी कॉरपोरेट है तो आर इस वाले ट्रांजेक्शन पर नहीं लगेगा चाहे रेसिपियंट बॉडी कॉरपोरेट हो या अदर देन बॉडी कॉरपोरेट हो सप्लायर को पांच परसेंट फॉरवर्ड चार्ज पर ही जो है रेसिपिएंट से टैक्स लेना है ठीक है अब दूसरा आता है कि अगर सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है ध्यान रखिए अब सप्लायर अगर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है और रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो यहां पर आर सी एप्लीकेबल हो जाएगा इस वाले ट्रांजेक्शन पर आरसीएम एप्लीकेबल हो जाएगा कौन से केस में जो मेरा सप्लायर है वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट है रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट है तो ट्रांजेक्शन हो जाएगा एप्लीकेबल हो जाएगा। सेम अगर सप्लायर अदर देन बॉडी है और हम इसका कंक्लूजन निकाले तो रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स में आरसीएम कब एप्लीकेबल होगा उसके लिए तीन कंडीशन को सेटिस्फाइड करना है सबसे पहले तो ट्रांजेक्शन होना चाहिए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल किसके लिए कैरी कर रही है पैसेंजर सर्विसेज और जो कॉस्ट ऑफ फ्यूल है वो भी पैसेंजर से चार्ज किया जा रहा है तो इस केस में जो सप्लायर है सबसे फर्स्ट तो वो अदर देन बॉडी कॉरपोरेट होना चाहिए और जो वो इन्वॉइस इशू करेगा वो अदर देन 12 परसेंट की इन्वॉइस इशू नहीं कर सकता रेसिपियंट को 5 परसेंट वाले इन्वॉइस इशू कर सकता है और जो रेसिपियंट है वो बॉडी कॉरपोरेट होना चाहिए अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो ये वाला ट्रांजेक्शन आपका आरसीएम में चला जाएगा फ्रेंड्स जैसे कि मैंने बताया जैसे कि हम सबको पता है कि जैसे ही हमारे एज ए रेसिपिएंट अगर मेरे ऊपर आरसीएम वाली कंडीशन में टैक्स पे करने की कंडीशन आती है तो मुझे कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है और आपको पता है कि सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स मोस्ट ऑफ द केसेस में ब्लॉक्ड है कुछ ही फ्यू सरकमस्टेंसेस में वो उसका आईटीसी मिलता है एज ए रेसिपिएंट तो इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे जैसे एबीसी ट्रेवल्स एक नॉन बॉडी कॉर्पोरेट है मतलब कि नॉन बॉडी कॉर्पोरेट हो गई रेंटिंग करती है मोटर व्हीकल्स का बॉडी कॉर्पोरेट को जिसके लिए आईटीसी डिसअलाउड है अगर आईटीसी बॉडी कॉर्पोरेट के लिए डिसअलाउड है तो इन दिस केस बॉडी कॉर्पोरेट जो है वो कभी भी सप्लायर को 12 परसेंट टैक्स डिस्चार्ज नहीं करेगी क्योंकि उसके लिए ये बन जाएगा। बट यहाँ पर डिफिकल्टी ये नहीं होती है जैसे सप्लायर 5 परसेंट वाला टैक्स रेट अडोप्ट करता है तो एज ए सप्लायर भी मुझे जो है मेरी आईटीसी जो है वो लिमिटेड हो जाएगी तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स एक क्वेश्चन अराइज होता है कि एबीसी ट्रेवल्स

नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप दबा सकते हैं नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा टिल देन जय हिंद जय भारत धन्यवाद